नमस्कार, मैं सुनीता अपने चेन्नई जी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिना पनीर बिना मैदा के आलू के कोफ्ते, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और झटपट बन भी जाते हैं, क्योंकि हर सामान हमारे घर में होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। यहाँ हमने एक कढ़ाई में एक छोटा चम्मच तेल डाला है। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले। इसमें तेज पत्ता है, एक दालचीनी का टुकड़ा है, छोटा जावित्री है, एक बड़ी इलायची है, दो छोटी इलायची है, कुछ दाने काली मिर्ची के हैं और चार पांच लौंग है। अब हम इनको सबको डाल देंगे और थोड़ा सा भुनने देंगे। ये हमने दो बड़ी प्याज को स्लाइसों में काट लिया है, उसको भी हम डाल देंगे। इनको ज़्यादा लाल नहीं करना है, थोड़ा सा ही पकाना है। फिर हमें इसको सॉफ्ट करनी है प्याज। डालेंगे कुछ लहसुन की कलियां और अदरक, जिसको हमने अच्छे से छील कर धो लिया था। यह हमने 8 से 10 काजू लिए, काजू को भी डाल देते हैं। यहाँ हमारी प्याज सॉफ्ट हो गई है, अब हम डाल देंगे। हमने दो बड़े साइज के टमाटर लिए थे जिसको रफली काट लिया था, अब उसको भी डालकर मिला देंगे। टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए उसके लिए हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक, और इसको मिला देते हैं। अब हम इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल देते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं और इसको सॉफ्ट होने देते हैं। इसको ढक देते हैं जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको हम पहले ठंडा होने देते हैं अच्छे से, उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। यहाँ हमने 5 आलू लिए हैं जो मीडियम साइज के हैं, अब हम इनको कद्दूकस कर लेंगे। हम इनको कद्दूकस कर लेते हैं, इसे फोड़े नहीं, इसे कद्दूकस ही करें जिससे कि इसमें कोई गांठे ना रहे। यहाँ हमने सारे आलू को कद्दूकस कर लिया है, वो हम इसमें डालेंगे। ये एक मीडियम साइज की प्याज को हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, उसको भी डाल देंगे। साथ में डाल देंगे हरा धनिया, इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक, या आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, मैं 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। और साथ में डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आप चाहे तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। साथ में डालेंगे हम इसमें 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, आप चाहे तो इसमें मैदा भी डाल सकते हैं। हमने 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसका एक डो बना लेंगे। ये हमने एक डो तैयार कर लिया है, अब हम इसके पहले कोफ्ते बनाएंगे। पहले अपने हाथ साफ कर लेते हैं। अब हम इसमें से छोटी छोटी सी लोइयां तोड़ेंगे। और इस तरह से पहले एक छोटा सा गड्ढा बना लेंगे और उसमें हम 2 किशमिश रख देंगे 2 से 3, और इसको बंद कर देंगे। इसको चारों तरफ से बंद कर देंगे। इस तरह से हमें छोटे छोटे कोफ्ते बनाने हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा सूखा कॉर्नफ्लोर मिला देंगे इसमें।
और इस तरह से एक्स्ट्रा जो होगा उसको हम झाड़ देंगे। इससे हमारे कोफ्ते फटेंगे नहीं। ये हमारा कोफ्ता बन के रेडी हो गया, इसको रख देंगे हम साइड में। इसी तरह से हम बाकी के कोफ्ते भी बना लेते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर काजू भी डाल सकते हैं, काजू या बादाम को भी छोटा छोटा टुकड़े में काट के इसके अंदर डाल सकते हैं। इस तरह से एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर झाड़ते हुए हम अपने कोफ्ते तैयार करेंगे। ये हमारे कोफ्ते बनकर रेडी हो गए हैं। उधर हमारा तेल भी गर्म हो गया, हमने पहले ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। यह हमारा तेल गरम है, यहाँ आज गैस की फ्लेम हमने फुल कर रखी है। फुल फ्लेम में ही हम एक पहले कोफ्ता डालेंगे, पहले देखेंगे हमारा कोफ्ता टूटता नहीं है तो बाकी के कोफ्ते हम इसमें डालेंगे। गैस की फ्लेम तेज ही रखना, हमारा कोफ्ता वो टूटा नहीं है तो हम बाकी के कोफ्ते भी डाल देते हैं। इसी तरह से कोफ्ते डाल दिए, हमारे कोफ्तों को डले एक मिनट हो गया। हम धीरे धीरे से अपने कोफ्तों को हिला लेते हैं। पहले हमने बीज का डाला था तो बीज के को पहले हम हिला लेते हैं जिससे कि ये चारों तरफ से अच्छे से सीख सके। दो मिनट हो गए हमारे फ्राई होते हुए। अब हम गैस की फ्लेम को धीमी कर देंगे और इसको अच्छे से सिकने देंगे। स्टार्टिंग में तेज रखने से हमारे कोफ्ते टूटते नहीं हैं। अब ये अंदर तक सिक जाएंगे धीमी आंच पर। ये हमारे कोफ्ते फ्राई हो गए थे तो हमने निकाल लिए और वापस गरम तेल करके दोबारा से हमने कोफ्ते डाल दिए हैं। अब हम इनको फ्राई होने देते हैं। ये हमारे कोफ्ते भी फ्राई हो गए, हम इनको भी निकाल लेते हैं। यहाँ हमने दो बड़े चम्मच तेल डाला है कढ़ाई में। तेल हमारा गर्म हो गया, गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल धीमा कर देंगे। इस समय गैस की फ्लेम धीमी है। अब एक चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची, इससे सब्जी में कलर अच्छा आएगा। और इसको डाल के तुरंत बाद जो हमने टमाटर प्याज को भून के रखा था उसको हमने पीस लिया था और उसके बाद उसका चन्नी में छान लिया था। इस तरह से डालने से हमारी लाल मिर्ची जलेगी भी नहीं। अब हम इसको थोड़ा सा गैस की फ्लेम को हम तेज कर लेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। इसमें डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, यह हम 1 चम्मच लाल मिर्ची डाल रहे हैं। लाल मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं 1/2 चम्मच और डाल रही हूँ। साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक, नमक हमने पहले भी डाला था टमाटर को गलाने के लिए तो इसलिए अपने हिसाब से ही डालें। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इस ग्रेवी में अच्छे से इन मसालों को पका लेते हैं। मसाले में उबाल आ रहा है अच्छे से,
अब डाल देंगे एक चम्मच कसूरी मेथी, और इसको धीमी आंच पर पकाएंगे जब तक कि इसका तेल अलग ना हो जाए। इसको आप मीडियम या धीमी आंच पर पकाएं, नहीं तो इसकी चीटें आपके हाथ को चला सकती हैं, इसलिए हम इसे मीडियम आंच पर पका रहे हैं। हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है, ये अच्छे से भुन भी गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पानी, जितनी आपको ग्रेवी थोड़ी ढीली रखनी है उस हिसाब से पानी डालें, ज़्यादा पानी नहीं डालता है इसमें। ये हमने आधा ग्लास इसमें पानी डाला है, अब इस पानी को हम पका लेंगे एक उबाल आने तक। इसमें डाल देंगे आधा चम्मच गर्म मसाला पाउडर और इसको भी मिक्स कर देंगे। हमारी ग्रेवी में उबाल आ गया है, अब डाल देंगे हम फ्रेश क्रीम। आप चाहे तो इसमें घर की मलाई को भी डाल सकते हैं। और इसको भी मिक्स कर देंगे। डाल देंगे हरा धनिया, ये हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब गैस बंद कर देंगे। इसके अंदर कोफ्ते जब भी डालें जब आप सर्व करने जा रहे हो, उससे पहले कोफ्ते ना डालें, क्योंकि कोफ्ते बहुत सॉफ्ट होते हैं तो वो पिघल सकते हैं ग्रेवी में पहले, तो आप जब खाएंगे तो जब उनके आगे डालेंगे। अब आपको सर्व करके दिखाते हैं, गैस कर देंगे बंद। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। इस तरह से ग्रेवी डालनी है ऊपर से, थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया, थोड़ी सी डालेंगे ऊपर से फ्रेश क्रीम। ये हमारे आलू कोफ्ता रेडी है।